हमें जितने लोग मिलते हैं, चाहे वो रिश्तेदार हो या भाई बहन हो, कोई भी हो, सारे लोग स्वार्थी ही मिलते हैं। वो स्वार्थी लगते हैं हमें हमें ये संसार तो सभी नहीं, बिजनेस करने वाले क्या है, आपको फायदा कराने के लिए बिजनेस करते हैं, नहीं पर हमारी गरज है तो हम लेने जाते हैं। ये चूड़िया कितने की भी, इतना चलो 100 रुपये की, वो 50 50 रुपया फायदा उठाएगा, उसमें प्रॉफिट करेगा। हमें समझना ही चाहिए कि संसार व्यापार वाले हैं, संसारी लोग व्यापारी वाले हैं, सिर्फ ज्ञानी लोग व्यापारी नहीं रहते, उनके पास कुछ अपेक्षा आप रखोगे, आपकी अपेक्षा हम लोग आपके पास कुछ अपेक्षा नहीं रखेंगे। हम अपेक्षा इतनी ही रखेंगे, आप मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो और मोक्ष जाने तक का पुरुषार्थ पूरा करो, उसके लिए जो भी आपको हेल्प चाहिए मिलेगी। बाकी संसार ही कोई अपेक्षा यहाँ नहीं रहती है, क्योंकि संसार का तो वही है व्यापार और गिराक जैसा, वो अपेक्षा रखेंगे, हो सके तो हेल्प करो, नहीं हो सके तो कह दो कि मेरे पास माल नहीं है, आपको नहीं मिलेगा ये माल इधर से, नहीं 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 समझ में सब आता है, लेकिन फिर जिस समय कोई बात होती है, कुछ कोई कहता है, उस समय तो तुरंत नहीं मगर समझ लेने का, समझ में नहीं ये आता। शादी करते हो तो पति कुछ गरज होगी कि नहीं पत्नी के पास, और पति भी पत्नी भी पति के लिए कुछ गरज रखती है कि नहीं, कुछ फायदा मिलेगा पति से, तो ये गरजा गरजी का सौदा है, एक दूसरे की परस्पर सहाय करो और सहाय लो, उसका नाम संसार है। यानी स्वार्थ बोलने का नहीं, ऐसा ही संसार है समझ लेने का। छोटा बच्चा भी मम्मी के पीछे क्यों घूमता रहता है, उसको इनसिक्योरिटी है, मेरा कौन, मम्मी मेरा ध्यान रखती है, बस इसके पीछे भी, उसके पीछे उसके भी गरज है उसको, वो बड़ा हो जाएगा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो मम्मी को छोड़ देगा, उसको गरज मिट गई, अभी मेरा मैं खुद कर लूँगा, तो लगता है कि ये शादी होने के बाद बहू का हो जाता है, तो माँ को लगता है मेरा बेटा बिगड़ गया, बहू का हो गया, अरे स्वार्थी, अरे नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ही सिलसिला रहेगा, तैयारी रखो। हाँ हमें कुछ नहीं चाहिए ये भावना करो, और सबका जो भी हिसाब है मुझे पूरा करना है, मुझे अभी राग द्वेष नए नहीं बांधने, जूना हिसाब पूरा करना है, छूटना है, ये भावना करो। समझ में आया आपको? जी।